Assalamu alaikum, welcome to Saqlain Mushtaq Show. Today's program is all about spin. And whenever we talk about spin, few greats comes into the mind. And today's program, I'm dedicating to one of my favorite, my inspirational, the great, the legend, one of the cleverest bowler of the world, who conquered the world. Great human, selfless fighter, very, very professional, the legend Anil Kumble. I'm dedicating this program to Anil Kumble, and he took 10 wickets against Pakistan. Definitely we'll talk about on that game as well, because I was in the dressing room when he took that all 10 wickets of Pakistan. Stay tuned on Saqlain Mushtaq Show. Hi, assalamu alaikum. Let's talk about Anil Kumble. Kahan se shuru kare? World ki test cricket mein number 3 pe, ya one day mein top 10 mein, ya Pakistan ke khilaf 10 wickets in ek innings mein, ya bowling kar raha hai broken jaws ke sath. Kahan se baat ki jaye? Mera khayal hai ki alfaz kam pad jayenge aur chote pad jayenge अनिल कुंबले के लिए बात करने के लिए. बहुत ही टफ ओपोनेंट था, रातों की नींदें उड़ा देता था. ऑपोजिशन जब भी, पाकिस्तान ने जब भी इंडिया के खिलाफ मैच खेले तो अनिल कुंबले के ऊपर 10 मिनट बात हर किसी ने की ज़रूर है. बैट्समैन हमेशा ये कहते थे कि अनिल कुंबले को अगर तुमने हल कर लिया तो तुम्हारा पर्चा हल हो गया, अगर इसको पकड़ लिया तो इंडिया को पकड़ लिया, मुसीबत डाल देता था. वाहद बॉलर था वो कि स्लो एंड लो पिच के ऊपर सबसे ज़्यादा डेंजरस था. व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिन, स्पिनर्स को वी नीड टर्न एंड बाउंस. जितने भी स्पिनर्स हैं, दे लव टू बॉल ऑन अ टर्निंग ट्रैक जिसमें बाउंस भी हो और बॉल कैरी भी करे. यहाँ पर तो ख़तरनाक है ही है अनिल कुंबले, बट आई बिलीव कि इसका जो स्लो एंड लो ट्रैक है उसके ऊपर और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है. और जो 10 विकटें ली हैं वो स्लो और लो ट्रैक था. मैंने भी वो मैच खेला, मैंने भी दोनों इनिंग्स में 5-5 आउट किए थे. मेरा बहुत ज़ोर लगा था, बहुत ज़ोर लगता है स्लो एंड लो पिच के ऊपर. आप जान लगा के गेंद करते एक एक बॉल पर. सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दुनिया में अगर कोई स्पिनर जो स्लो एंड लो पे बॉलिंग करता है वो अनिल कुंबले था. शेन वॉन भी स्ट्रगल करता, मुरली भी स्ट्रगल करता, मुझे भी काफ़ी मुश्किलात होती और भी दुनिया के स्पिनर्स, और आजकल के भी किसी भी स्पिनर्स को एक्सपोज करना है, पकड़ना है, स्लो एंड लो ट्रैक बना दो, बट अनिल कुंबले आपको मुसीबत डाल देगा. ही वॉज इन अ बिग टर्न ऑफ द बॉल बट ही कुड टर्न द होल मैच इन वन स्पेल. ये ऐसा बॉलर था स्पिनर, ही वॉज अ स्पिन बॉलर, बट उसका इंटरनल जो फाइटिंग स्पिरिट थी, अटैकिंग और अग्रेशन जो था, ही वॉज लाइक ए अटैकिंग बॉलर. जैसे फास्ट बॉलर्स होते हैं अटैक करते हैं, वो इस तरह का अटैकिंग बॉलर था. जेंटल जायंट, बहुत बड़ा ऐसे लगता था कोई बला है, बट बहुत ही अच्छा इंसान. और अच्छा इंसान क्यों ना हो, क्योंकि बहुत ही अकलमंद वाइज क्रिकेटर था. उसको पता है क्रिकेट एक गेम है बट इंसानियत भी कोई चीज़ है. मैं स्ट्रगल कर रहा था, चश्मा लगाता हूँ अभी भी, मैं स्ट्रगल कर रहा था, मेरी कैटरेक्स है आंखों में. तो अनिल कुंबले के पास बैठा मैंने, अनिल भैया थोड़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे कोई अच्छा ऑप्टिशन नहीं मिल रहा. तो कहने लगा, यार तुम मेरे ऑप्टिशन के पास चले जाओ, लंदन में हाली स्ट्रीट में डॉक्टर भरत रोगानी इज़ वन ऑफ द बेस्ट. मैं और गैंगुली दोनों उधर ही जाते हैं. मैंने कहा अच्छा, यार मैं तो सरे से खेलता हूँ, लंदन में हूँ. तो मुझे उन्होंने नंबर दिया, एड्रेस दिया, यू मस्ट गो टू डॉक्टर भरत रुगानी एंड ही विल लुक आफ्टर यू. मैं जनाब गया डॉक्टर भरत के पास. जैम ऑफ अ पर्सन, वेरी काइंड हार्टेड पर्सन एंड वेरी प्रोफेशनल. हाली स्ट्रीट आपको पता ही होगा, दुनिया की जो सबसे मशहूर जो है स्ट्रीट है, और बहुत पाए के डॉक्टर वहाँ पे होते हैं. मैं वहाँ पे गया और उसने ही सॉर्ट आउट माई
कॉन्टेक्ट लेंसेज एंड ऑब्वियसली ही फिक्स माई आईज. उसके बाद ही तो भाई वो दुनिया में जो सबसे बड़ा तुक्का लगा मैंने जो 100 किया. और आई विल गिव क्रेडिट, लॉट ऑफ क्रेडिट टू अनिल भाई एंड डॉक्टर भरत रुगानी, वो स्पेशल कॉन्टेक्ट लेंसेज बना के दिए जिसके बाद मुझे गेंद सही नज़र आना शुरू हुआ और मैंने 100 किया. एनीवे बात तो अनिल कुंबले की कर रहे हैं और मैं ले गया अपनी तरफ. सेल्फलेस क्रिकेटर, टीम को पहले तरजीह देता था, अपनी जात को पीछे रखता था, हमेशा लीड फ्रॉम द फ्रंट, आगे आके भागने वाला नहीं. भी कंडीशंस सूट नहीं कर रही है, मैच जो है वो हाथ से निकले चले जा रहा है, बैट्समैन जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं और वेदर जो है वो भी फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करेगा या बिल्कुल ड्राई पिच है. अगर कप्तान को ज़रूरत पड़ी है किसी फास्ट बॉलर को, निगल है, इंजरी है, कुंबले को डालने, किसी वक्त भी बॉल दे दो, मैं तो समझता हूँ 100 के उठ के भी बॉलिंग करने को तैयार हो जाएगा. इंजरी में बॉलिंग करते हुए आपने देख लिया, सुबह बॉलिंग करता है, दोपहर करता है, शाम करता है, 100 के उठने के बाद भी बॉलिंग कर सकता है. स्किल्स के एतबार से देखा जाए, एक स्किल्स होती हैं गेंद के साथ. इनकी जो स्किल्स थी, गेंद को टर्न करते थे, ज़्यादा नहीं करते थे, गुगली भी होता था मगर उस तरह का नहीं, और गेंद उस तरह का यानी जैसे अब्दुल कादिर का गुगली होता था, उस तरह का गुगली नहीं था मगर गुगली कर लेते थे. एक्शन थोड़ा सा चेंज होता था मगर फिर भी बड़ा मुश्किल होता था बैट्समैन के लिए उनका गुगली भी पकड़ना. टोकन जो के साथ बॉलिंग करना, बाद में जो आर्टिकल मैंने पढ़ा उसका इंटरव्यू अनिल कुंबले का, कहने लगा कि मुझे सेटिस्फेक्शन ना होती, मेरी टीम को ज़रूरत थी, मैं कैसे टीम को छोड़ के चला जाता. हालांकि सौरभ गांगुली ने कहा कि तुम अपना लुक आफ्टर करो, कि नहीं, टीम को मैं देखूंगा, अपने आप को नहीं देखूंगा. ये बहुत बड़ी बात है, ग्रेट इंस्पिरेशनल फॉर द यंगस्टर्स. और ये जब तक क्रिकेट खेली जाएगी ये वाक्या चलता चला जाएगा और अनिल कुंबले का नाम जुड़ा जाएगा इस वाक्य के साथ. 10 विकेटों की बात कर लेते हैं, प्रोग्राम काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है. मैंने पहले भी कहा था अल्फाज थोड़े हैं और छोटे हैं. अनिल कुंबले के मुतालिक बात करने के लिए कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक ले जाएं? जब अनिल कुंबले ने 10 आउट किए 12 लूज से एक दिन पहले, जब उन्होंने 400 से ऊपर रन्स, 400 आई थिंक प्रॉब्ली 420 रन्स का टोटल था, नींदें उड़ गई थी पाकिस्तान की. और एक ही जेन में आ रहा था, एक ही जेन में आएगा जो कि पूरी पाकिस्तान टीम को डिस्ट्रॉय करेगा, और वो अनिल कुंबले था. बाकी बॉलर्स थे, श्रीनाथ, प्रसाद, बज्जी, सब थे, बट अनिल कुंबले की बात हो रही थी कि ये जो है ख़तरनाक है, इसे कैसे बचा जाए. यहाँ पे एक मैं मिसाल दूंगा, मैंने अभी मेरे एक दोस्त हैं इंडिया के, शायान आचार्य, उससे मैंने पूछा यार इसको जम्बो क्यों कहते थे. जम्बो सिद्धू पाजी ने इसका नाम रखा था जंबो. मिडॉन पे कहीं खड़े थे, कैच गया वहां पे और जनाब जंबो, जंबो जेट जो है ना वो उसकी वजह से था. जंबो जेट बहुत बड़ा जहाज जिसको 747 कहते हैं, जिसमें गालबन 400-500 में भी 300-400 लोग जो हैं वो आ जाते हैं. जंबो जेट बड़ा जहाज जिसके अंदर बहुत सारे मुसाफिर बैठते हैं और वो जनाब लेके जाते हैं मुसाफिरों को. तो जंबो जेट इसको सिद्धू पाजी ने नाम दिया. मिडॉन पे खड़ा और बहुत ही मुश्किल कैच, और जनाब ऐसे पूरा हाथ लंबे चौड़े और हाइट लंबी चौड़े, बहुत ही मुश्किल कैच आराम से उठा लिया. तो पाजी ने कहो ये जंबो जेट है ने एडा मुश्किल कैच बड़ी आसानी नाल चुक लेता है. तो नाम तो रखा था सिद्धू पाजी ने जंबो जेट, बाद में जंबो जंबो, जब हम भी खेल रहे होते थे तो आवाज कम ऑन जंबो, तो उसको जंबो कहते थे. तो जंबो जेट जो है वो था 747. मैं समझता हूँ ये जंबो जेट 10 for 10 है, 10 out of 10 है. पाकिस्तान के 10 खिलाड़ियों को लेके स्टेडियम से बाहर फेंक दिया, अकेले नहीं. और अजीब बॉलिंग स्पेल किया, एक ही स्पेल चलता चला गया. और यहाँ भी एक बात कहना चाहूँगा और ये ट्रू भी है कि वक़ार यूनस और वसीम अकरम बात हो रही थी और उन्होंने कहा भी इसको 10 खिलाड़ी 10 की 10 विकेटें इसको ना दे देना. लग ये रहा है जब 6-7 आउट हुए ना तो ड्रेसिंग रूम में ये बात शुरू हो गई थी कि कहीं ये 10 के 10 ही आउट ना कर दे, क्योंकि मैच तो हमारे हाथ से निकल ही चुका था. ऊपर से ही सारी कमर तोड़ दी थी पाकिस्तान की और बॉडी लैंग्वेज जो थी हमारी बिल्कुल गिर चुकी थी. स्टैंड ओपनिंग पार्टनर थोड़ा सा अच्छा गया और उसके बाद तो समझ ही नहीं आ रही थी. जंबो साहब ने किसी को खड़े नहीं होने दिया.
फ्रंट फुट पे जाओ तब मुसीबत, बैक फुट पे जाओ तब मुसीबत, बाउंड्री दे नहीं रहा था, इतनी टाइट लाइन पे गेंद कर रहा था और मुश्किल पड़ी हुई थी और पूरा प्रेशर पाकिस्तान टीम पे था, सारी की सारी फील्ड्समैन जो थे वो अराउंड थे बैट्समैनों के और ऐसे लगा हुआ था कि बिल्कुल ही जकड़ दिया गया है। तो बात यही हो रही थी कि भाई इसको 10 विकेट ना दे देना, गालिबन वकार यूनस ने कहा वसीम अकरम को, मगर वो दिन जंबो का था, अनिल कुंबले का था, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, 10 की 10 विकेटें ली, हम रोते पीटते घर में आ गए। बट एनी वे वो मैच का मज़ा बहुत आया, वी लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट मैच और आई थिंक दुनिया याद रखेगी इस मैच को, क्योंकि उससे पहले जो है 194 सईद अनवर ने किया और कुछ ऐसे मैचेस थे जिसमें अनिल कुंबले की परफॉर्मेंस जो थी वो उस तरह की नहीं थी, मगर बदला लेना और बदला चुकाना अनिल कुंबले को आता है, बदला लेना और बदला चुकाना अनिल कुंबले को आता है ग्राउंड के अंदर, बट ग्राउंड के बाहर जेम ऑफ अ पर्सन, वेरी काइंड, पोलाइट, सॉफ्ट स्पोकन, काइंड हार्टेड पर्सन। बहुत शुक्रिया अनिल भाई फॉर द ग्रेट मेमोरीज एंड आई एम श्योर पूरी दुनिया के जितने भी स्पिनर्स हैं वो आपके कैरियर को जब भी उठाते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं और आपने बहुत एंटरटेन किया सबको, जहाँ पे भी हैं खुश रहें, लंबी ज़िंदगी अल्लाह दे आपको और ढेरों खुशियों और इज्जतें दे, दोस्ती की जीत हो, दुश्मनी की हार हो, रब रखा, अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम। सकलैन मुश्ताक हाइट्स जदीद तर्ज जिंदगी और फैमिली की जरूरियात के ऐन मुताबिक है, प्रेयर एरिया और कुरान अकेडमी, वसी और कुशादा कॉरिडोर्स, लॉबी और एक्सेस एरियाज, रिहायशियों के लिए महफूज और मेहमानों के लिए वसी कार पार्किंग, सर्विलेंस और बैंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी सिस्टम, फायर सिक्योरिटी सिस्टम, बैकअप पावर के साथ पैसेंजर और कार्गो लिफ्ट्स, फर्श और किचन में संगमरमर और ग्रेनाइट का इस्तेमाल, लिविंग रूम और डाइनिंग रूम की सेटिंग के मुख्तलिफ ऑप्शंस, स्विमिंग पूल और जिम, फैमिली मेंबर्स के लिए तफरीही और पुरफिजा मकामात, हम बेहतरीन से कम की जमानत नहीं देते।